फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस Lakme 95 मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। सो दिस इज द काइंड ऑफ पैकेजिंग एंड विद ग्रीन टी। सो जब मैंने इसको लिया था तो मैं एक डेस्परेटली एक मॉइस्चराइजर ढूंढ रही थी जिसको मैं डेली भी अप्लाई कर सकूँ और मेकअप से पहले भी लगा सकूँ। सो बिकॉज माई स्किन इज काइंड ऑफ ऑयली, जिससे मुझे कोई ब्रेकआउट ना हो जिस मॉइस्चराइजर से, तो मैं काइंड ऑफ ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढ रही थी। सो इसका जो प्राइस है वो है 349। ये मुझे अमेजोन से 280 समथिंग का मिला था फॉर 50 ग्राम एंड शेल लाइफ इज 2 ईयर्स। सो जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, मैं वीडियो को बहुत लेंथी नहीं करना चाहती एस्पेक्ट्स से इसको परचेज करने के, एज अ डेली मॉइस्चराइजर और एज अ मैं इसको मेकअप से पहले लगा सकूँ फॉर अ गुड बेस। सो बेसिकली ये ऑयली स्किन के लिए बना है जो ऑयल कंट्रोल करता है और इस पर लिखा हुआ है विजिबल पोर रिडक्शन, ऑयल फ्री एंड 12 आवर मॉइस्चर। सो 12 आवर मॉइस्चर तो ये आपको बिल्कुल नहीं देगा, ऑयल फ्री है या विजिबल पोर रिडक्शन ज़रूर है। एज अ डेली मॉइस्चराइजर माई एक्सपीरियंस, जब मैं इसको डेली अप्लाई करती हूँ तो लाइक अगर मैंने फेस वॉश किया है और उसके बाद मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, सो उसको लगाने के बाद मुझे एकदम से फॉर 10 सेकेंड्स मुझे बहुत ठंडा ठंडा लगता है बिकॉज ऑफ ग्रीन टी आई थिंक। इसको लगाने के बाद बहुत फ्रेश फील होता है, बट आफ्टर 20 सेक की बजाय बहुत ड्राई लगने लगता है अपना फेस, बहुत स्ट्रेची काइंड ऑफ हो जाता है। एज अ मेकअप से पहले की अगर मैं बात करूँ फॉर अ गुड बेस, तो अगर आप इसको लगाने के बाद अपना प्राइमर एंड देन अपनी फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका फेस और भी ज़्यादा केकी होने वाला है। मेरी काइंड ऑफ जो स्किन है वो लाइक दिस एरिया इज़ टू मच ऑयली एंड रेस्ट इज़ ड्राई। वो लगाकर अगर मैंने मेकअप अप्लाई किया है तो दिस एरिया इज़ मच केकी। सो मेरे लिए ना ये एज अ डेली मॉइस्चराइजर ना ही एज अ मेकअप बेस, नो, फ्रॉम माई साइड दिस इज़ अ बिग नो मॉइस्चराइजर। जब मैंने एज अ डेली मॉइस्चराइजर इसको अप्लाई किया था तो 5-6 घंटे तक मेरे फेस पे कोई ऑयल नहीं आया था। अगर कोई इसको एज अ ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है, या वो कर सकता है जिसको अपने फेस के पोर्स श्रिंक करना है, जिसके फेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स है, उसको लगाने के बाद आपके पोर्स बहुत ज़्यादा श्रिंक लगते हैं। टेक्स्चर है काइंड ऑफ ऑफ वाइट कलर का है, ये आपकी स्किन में बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है। इसके जब इसको अप्लाई करोगे सो बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है ये, लाइक अभी जो मुझे फील हो रहा है बहुत कूलिंग फील हो रहा है, बस ये 10 सेकेंड्स ही लास्ट करता है कूलिंग इफेक्ट। स्किन एंड माई स्किन एक्सपीरियंस ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इससे मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है बिकॉज बहुत ऑयल कंट्रोल करता है आपके फेस पे, ब्रेकआउट तो आपको बिल्कुल नहीं होगा इससे। बट एज अ मॉइस्चराइजर मैंने इसको परचेज किया था तो मेरा मॉइस्चराइजर का जो मोटो था इसको लेने का वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो मेरी तरफ से मैं इसको दोबारा से परचेज नहीं करूँगी एज अ मॉइस्चराइजर। हाँ, बट अगर एज अ प्राइमर कोई इसको लेना चाहता है तो वो ज़रूर ले सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग रिव्यू। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।